हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। ओके, आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सीधा सीधा हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग का टॉपिक यह रहने वाला है और ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। व्यूअर्स, यह रीडिंग सभी एज ग्रुप के लिए है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, या आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी व्यूअर्स, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं, यह वीडियो आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग रहेगी ये कंप्लीटली व्यूअर्स जनरल है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से काफी लोगों के साथ मैच ना भी करे, तो आप लोग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि काफी लोगों के साथ एक्यूरेटली भी मैच करती है और काफी लोगों के साथ सिर्फ कुछ परसेंटेज। ठीक है, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। ओके, और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके, तो व्यूअर्स, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है। ओके, शफलिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है। आखिर वह आपसे चाहते क्या है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, काफी सफल किया है। वाओ, द स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल। ओके, पहला कार्ड आया है द स्टार कार्ड। से मुझे शफलिंग आती नहीं है, लाइक दिस आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस, बस हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आगे। ओके, हाई प्रिस्टस, ये कार्ड मैंने काफी दिन बाद देखा है और ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। ओके, वाओ, मजिशियन, ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ब्यूटीफुल मजिशियन का कार्ड, इंटरेस्टिंग। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। ओके, वी हैव दिस कार्ड, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, अमेजिंग। टू ऑफ कप्स, इफ यू आर हैविंग एनी बैकग्राउंड साउंड इन द वीडियो, आई एम सॉरी फॉर दैट व्यूअर्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वी हैव दिस कार्ड हियर, फाइव ऑफ सोर्स, व्हाट्स देयर। चलिए लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड वी आर डन। ओके, पेज ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स। ओके, तो आखिर वह आपसे चाहते क्या है। पहले बताने की कोशिश करती हूं मैं कि उनका या आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जून हो सकता है आपका या उनका बर्थ मंथ, फरवरी हो सकता है या अप्रैल हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी हो सकता है,
मई हो सकता है और अक्टूबर, सितंबर, तो आप दोनों में से किसी का बर्थ मंथ ये हो सकता है। अगर ये बर्थ मंथ मैच भी नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। चलिए देखते हैं आपका या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 2 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख और 5 तारीख और 15 तारीख। यस, 24 तारीख भी मुझे लग रही है यहाँ पर, एंड 14 तारीख, 14 एंड 24 एंड 4, यस 4 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख और 6 तारीख। काफ़ी सारे डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ये सब मुझे इंट्यूटिवली यहाँ फील हो रही है व्यूअर्स, तो हो सकता है कि आपके या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक हो। लेकिन अगर ये मैच नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि वह आपसे चाहते क्या हैं। व्यूअर्स, पहली चीज़ तो मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अननोइंगली कर रहे हो, नोइंगली ना कर रहे हो, यानी कि आपके बारे में सोच बहुत पॉजिटिव रहे हैं, आपके बारे में सोचते बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ भी दिख रही है। और अभी यू नो अपकमिंग डेज में कोई एक्शन अगर लेंगे भी तो कोई ऐसा स्ट्रांग या कोई ऐसा कमिटमेंट ऑफर नहीं करेंगे, कोई प्रपोजल नहीं आने वाला, कोई कन्फेशन अभी रिसेंट अपकमिंग डेज में नहीं आने वाला है। बट यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन जरूर कर रहे हैं आपको लेकर, और ये मैनिफेस्टेशन जो है इनकी, ये एक इनको खुद नहीं पता है, यानी कि एक होती है कॉन्शियसली जो हम करते हैं, यानी कि जहां हमें पता होता है कि हम ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं या कुछ अफर्मेशन फॉलो कर रहे हैं या समथिंग एल्स मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन फॉलो कर रहे होते हैं बिना इस चीज को जाने, यानी कि हम किसी के बारे में अच्छा इमेजिन करते हैं, किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं बहुत समय तक, किसी के बारे में अच्छी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो यह चीज जो होती है ये भी मैनिफेस्टेशन का काम करती है, और इसी प्रकार से आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और ये आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो मैनिफेस्टेशन है ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रही है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाँ इन्होंने काफी समय से कोई एक्शन नहीं लिया है और इन्होंने सिर्फ आपके बारे में अच्छा सोचा है, अच्छा विजुअलाइज किया है और अच्छी थिंकिंग रखी है आपको लेकर, अपने इंटेंशंस भी प्योर रखे हैं, तो इसी वजह से वो आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे या कोई फेदर दिखता होगा, पक्षी के पंख होते हैं, पंख दिखते होंगे, या ऐसा होगा तितलियां दिखती होंगी आपको ज्यादातर, या कैट्स ज्यादा दिख रही होंगी आपको, तो आपको कुछ साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ डिफरेंट या कुछ वियर्ड हो रहा है। आपको सपने में ये आने लगेंगे, इनका नाम आपको कहीं दिखेगा बार बार सोशल मीडिया पर या कहीं पर, या कोई इनसे रिलेटेड कोई बात बोल देगा कोई, तो इनसे रिलेटेड काफी चीजें आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर भी पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स, चाहते आपसे ये सिर्फ ये है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन इनको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, ठीक है, ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, यानी कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कर भी नहीं रहे थे मैनिफेस्ट, ये तो अननोइंगली हो रहा है क्योंकि इनके दिल की इच्छाएं ऐसी हैं, ये आपके बारे में सोचते इतना प्यारा है कि आप मैनिफेस्टेशन अपने आप हो रही है, तो ये आपको पाना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर साफ है कि ये आपसे चाहते क्या है, ये पहली बात तो ये है कि ये आपको पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस है भी कि ये आपको पालेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप भी इनसे प्यार करते हो। इनको डर तब होता या कन्फ्यूजन तब होती जब आप इनसे प्यार नहीं करते होते, या इन्हें ऐसा लगता कि आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली इस बात से अवेयर है, ये इस बात को जानते हैं,
दैट यू लव देम, आप इनसे प्यार करते हो और यहाँ पर म्यूचुअल लव है ये बात को जानते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हो और इसीलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनके लाइफ में आ ही जाओगे, चाहे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, चाहे वो कोई स्टेप या एफर्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन यू विल कम बैक, ऐसा उनको लग रहा है कहीं ना कहीं। यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के बीच में, मतभेद हैं आप लोगों के बीच में, इश्यूज हैं, उनकी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते, या आपको इतना ज्यादा यू नो ऐसा नहीं लगता है कि ये मैं एक्सपेक्ट, आपको लगता है कि आप वैसा क्यों कर रहे हो जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ आपको वैसा मुझे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है आपका और आपकी थिंकिंग भी डिफरेंट है और इनकी थिंकिंग डिफरेंट है। आप थोड़ा कमिटेड ओरिएंटेड पर्सन, कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन है, यानी आपको कमिटमेंट यू नो इंगेजमेंट, इंगेजमेंट नॉट द रिंग सेरेमनी, इंगेजमेंट इज जस्ट की प्रॉपर इंगेजमेंट, सीरियसनेस, ओके सीरियसनेस इन द कनेक्शन एंड फुल यू नो इंटेंसिटी, ऐसा कुछ आपका यू नो थॉट प्रोसेस है और आप ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कनेक्शन से। वही इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि बहुत लाइट पसंद करते हैं, कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो उससे उसमें बहुत सीरियसनेस, बहुत इंटेंसिटी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत रोमांटिक होना चाहिए, बहुत प्लेफुल होना चाहिए, बहुत इंजॉइंग होना चाहिए। तो इनका मानना थोड़ा डिफरेंट है और आपका थोड़ा डिफरेंट है। ये प्यार को महसूस करके उसका मजा लेना चाहते हैं और आप उसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, ओके? तो ये काफी कॉन्फिडेंट है कि आप वापस आओगे क्योंकि यहाँ पर प्यार दोनों तरफा मुझे नजर आ रहा है, ये भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना कि आप उनसे प्यार करते हो। हाँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ओके? और इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ ज्यादा इसीलिए है, या आपको ज्यादा मैनिफेस्ट या विजुअलाइज या इमेजिन आपको ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इमोशनली काफी ज्यादा कंट्रोल्ड हो गए हो, इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने इमोशंस आप पहले इन्वेस्ट करते थे या जितने इमोशंस आप पहले डिस्प्ले करते थे या पोर्ट्रे करते थे इनके लिए, आप उतने नहीं करते। कहीं ना कहीं आपने आपको रोका है, संभाला है और अपने इमोशंस को ऐसे ओवरफ्लो होने नहीं दिया है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हुए और साथ काफी इंट्यूटिव भी हुए हो, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत मिला है और आप यू नो एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल पाथ पर यू नो धीरे धीरे आ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको कि आप कहीं ना कहीं इनसे दूर होते जा रहे हो क्योंकि अब आप इनके लिए इतना चेंज नहीं कर रहे हो, इनको इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, यू नो हमेशा इनको अब मना नहीं रहे हो, हमेशा इनको कन्विंस नहीं कर रहे हो, अब थोड़ा आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो। तो यहाँ इन्हें ऐसा ही लग रहा है जैसे आप इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड हो गए हो और आप ऐसे हो भी गए हो शायद व्यूअर्स, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे अब आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुके हो, अब आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज्यादा कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो लाइफ में, आपको आगे जाके अब बहुत अबंडेंस और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, राइट? आपको अबंडेंस और अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पे, और ये बात आपके पर्सन देख रहे हैं कि कैसे आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। तो कहीं ना कहीं इनका अट्रैक्शन और इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ ज्यादा बढ़ गया है, ओके? ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको ज्यादा यू नो अपने से ऊपर देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि आपकी वैल्यू अब बहुत ज्यादा है और इसीलिए आपको पाना चाहते हैं अब किसी भी हाल में। हाँ, एक्शन नहीं ले रहे हैं बट दे आर मैनिफेस्टिंग यू अनोइंगली। तो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ये इतने अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इतने ब्यूटिफुल, फलाना ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मैं अभी एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ओके? बट यही सोच सोच के कि आप कितने अच्छे हो व्यूअर्स मैनिफेस्टेशन हो रही है। तो ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, थोड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि दे लव यू। आपके बीच कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आप एक दूसरे से प्यार करते हो और यही इस सिचुएशन में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओके? तो ये यही चाहते हैं आपसे, या चलिए इस डेक से कुछ कार्ड लेते हैं।
हो सकता है इनके नाम में आर आता हो, इनके नाम में या आपके नाम में आर आता हो, या आप दोनों में से किसी के नाम में एस आता हो या आई आता हो, एच ऑल्सो हो सकता है आप में से किसी के नाम में, दोनों में से किसी के नाम में एच आता हो, एच ओके व्यूअर्स, यहां कार्ड आया है स्ट्रेस का, ओके तो ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि जब से इनका आपके साथ सेपरेशन हुआ है, ये आपको आपको याद कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इनकी लाइफ में दूसरी सिचुएशंस को लेकर भी बहुत स्ट्रेस है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशंस भी है, चाहे इनका करियर है, चाहे इनकी फैमिली है, कुछ तो है जो इन्हें बहुत परेशान करता है, तो और इनकी लाइफ में मुझे स्ट्रेस नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको सपोर्ट करोगे मॉरली इमोशनली, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके स्ट्रेस बस्टर हो, आपसे ही, आपको देख के आपसे बात करके ही इनका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। आगे है अबंडेंस, तो व्यूअर्स यस, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि आपके, मैंने कहा था, आई एम सॉरी ये स्लिप हो गया है, ओके मैंने अभी कहा भी था कि ये ऐसा देख पा रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे आपको बहुत अबंडेंस मिल रहा है और यहाँ कार्ड भी आ गया, तो व्यूअर्स ये बात तो मुझे सच लग रही है कि आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। ओके लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड वी आर डन। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, ठीक है स्पिरिट्स प्लीज, ओके फ्रेंडलीनेस ब्यूटिफुल। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये आपके साथ आप अपना बॉन्ड डीपन करना चाहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड करना चाहते हैं, स्ट्रांग कनेक्शन करना चाहते हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच सिर्फ एक लवर का ही नहीं, एक फ्रेंडली रिश्ता भी हो। मैंने कहा था ना कि आप बहुत इंटेंस, बहुत सीरियस और बहुत मेच्योर सोचते हैं इस रिश्ते के लिए, और ये बहुत लाइट फ्रेंडली, इट्स नॉट कि वो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड बनना चाहते हैं, बट इनकी वाइब जो है वो बहुत ही लाइट है, एक फ्रेंडली वाइब है इनकी कि आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइक अ फ्रेंड, बट ऑफ कोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ऑफ कोर्स दे हैव अट्रैक्शन फॉर यू, बट ये उस सीरियसनेस में जाते नहीं है, दे लाइक टू एंजॉय विद यू, इन्हें आपके साथ मजा आता है, एंजॉय करना पसंद है, आपके साथ फ्रेंडली रहना पसंद है, क्योंकि इनको लगता है कि फ्रेंडली रहने में एक कंफर्ट है, एक रिलैक्सेशन है, एक ओपननेस है, जो हर समय लवर्स की तरह हमेशा इंटेंस बिहेव करने में नहीं है, तो इनका थोड़ा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है। तो ये आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़ा इनके प्रोस्पेक्टिव को भी समझो, ये स्ट्रेस में है, इन्हें मोरली सपोर्ट करो, और ये ऑफकोर्स आपको प्यार करते हैं, इस बात का भरोसा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है, अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021, और उस पर वही डीपी लगी है, वही पिक्चर लगी है जो मेरे यूट्यूब अकाउंट पर लगी है। ओके तो आप जाकर, अगर आप चाहते हैं, इफ ओनली इफ यू वॉन्ट, तो आप अगर चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।